यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर देश प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। अगर बात हम हरियाणा की ही करें तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सफल बनाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और इसी कड़ी में भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर पायलट रिहर्सल की गई। रिहर्सल की अगुवाई एसपी गंगाराम पुनिया और एसडीएम सतीश सैनी ने की। तो वहीं कल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन का आयोजन लोगों को योग दिवस को लेकर जागरूक करने के मकसद से किया जा रहा है। वहीं अगर बात महेंद्रगढ़ की करें तो वहां भी पायलट रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी नदारद नजर आए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पायलट रिहर्सल किया गया। उत्तम स्वास्थ्य के लिए और शांति और सामंजस्य के लिए योगा करते हैं, तो यहाँ भिवानी वासियों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए और इसमें शामिल करने के लिए और जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है उसको फिर से पुनर्जीवित करने और घर घर तक पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन इसमें मेहनत कर रहा है। देखो, नारा भी है हमारा, करो रोग रहो निरोग, तो पर्पज यही है सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाने का। इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के 6 दर्शनों में से एक योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले उस वक्त दिया था जब दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं था। उस दर्शन को, उसको जो है सरकार के द्वारा अपनाया गया है, अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया है ताकि लोग स्वस्थ रहें। देखिए, टारगेट जहाँ तक हमारे जिले का प्रश्न है, ये ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होने वाला है, वो पंडित स्तर पर भी होने वाला है। जिला स्तर पर हमने 2100 का टारगेट रखा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होगा ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। आज 19 को पायलट रिहर्सल थी, फोर्थ डे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आज विभाग को पत्र जारी तो करवा दिए गए थे, लेकिन संख्या पहुंच नहीं पाई। आज लोकल बंदे थे वही ज़्यादा थे, तो कोशिश होएगी शायद 21 को वो पूरे आ जाए। इसमें योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है वही करवाया था। 21 जून को जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसका पूर्वाभ्यास समझो ये एक तरह से। उसको हम पूरा जो है वो जो कार्यक्रम होना है, जिसमें हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो पूरे देश में एक तरह का ही प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हमने पूरा अपना पूरा अभ्यास किया है और इसी अभ्यास को हम 21 जून को करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सुशील शर्मा, हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर है। सुशील, महेंद्रगढ़ में भी आज पायलट रिहर्सल किया गया, लेकिन अधिकारी नदारद नजर आए, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? जी, आज महेंद्रगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पायलट रिहर्सल की गई महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क में। लेकिन आज की पायलट रिहर्सल में कोई भी कर्मचारी और अधिकारी इसमें नदारद पाए गए। यहाँ का नोडल अफसर का कहना था कि उन सभी को सूचना दे दी गई थी, लेकिन इस पायलट रिहर्सल में कर्मचारी और अधिकारी ना के बराबर देखे गए। जी, इसके साथ ही सुशील, किस तरह से रहा आज का पायलट रिहर्सल? क्योंकि अधिकारी कर्मचारी तो नहीं थे, लेकिन अगुवाई किसने की और साथ ही कैसा रहा आज का रिहर्सल पूरा? आज इसके अंदर उन नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमन जी, वेद प्रकाश जी आ रहे थे, पतंजलि योग पीठ के कार्यकर्ता थे और जो पार्क में घूमने वाले बच्चे और बाकी सब बताकर उनकी रिहर्सल की गई। जैसे इस रिहर्सल के अंदर गांव के आंगनबाड़ी वर्कर का, पीटीआई का, स्कूल का, ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का, विभाग के अधिकारियों का, सरपंचों को, पंचों को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से जो संख्या थी वो बिल्कुल कम थी। कोई एक आध लोग आए थे, बाकी लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया और आज पायलट रिहर्सल में नहीं पहुंचे। क्या लोगों से पहुंचने के लिए नहीं कहा गया था उनको, पहुंचने आज पायलट रिहर्सल है ये जानकारी दी गई थी? जी, आज जैसे नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी को सूचना तो प्रेषित कर दी गई थी, लेकिन लोग नहीं पहुंचे, कर्मचारी थे वो नहीं पहुंच पाए। अब उसका कारण क्या है, सूचना उनको मिली या नहीं मिली, इस बारे में किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो है पायलट रिहर्सल हुई, महेंद्रगढ़ में भी पायलट रिहर्सल देखी गई और लेकिन यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी जो है वो नदारद नजर आए। नोडल अधिकारियों का कहना है, नोडल ऑफिसर्स का कहना है कि सूचना तो दी गई थी लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी।